जय हिंद। आपको पॉलिटी का क्लास वन हम पढ़ा दिए थे जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र था। आज पार्ट टू पढ़ाएंगे जिसमें हम नागरिकता बताएंगे और इससे रिलेटेड नागरिकता कैसे आ सकती है, कैसे जा सकती है, और ये समझेंगे कि NRC लाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई थी और NRC क्या है, CAA क्या है, NPA क्या है, ये सब के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले बात समझते हैं सिटीजनशिप किसे कहते हैं, नागरिकता क्या चीज़ होता है। तो हमारे किसी भी देश में तीन तरह के लोग रहते हैं। या तो कोई नॉर्मल पर्सन रहता होगा जो बाहर से घूमने आया है, जैसे कोई विदेशी ताजमहल को देखने आएगा, वो नॉर्मल पर्सन में आएगा। या तो फिर सिटीजन, जैसे हम देखने चले गए या कोई आम आदमी देखने चला गया तो वो सिटीजन हो गया। अब उसके बाद एक चीज़ होती है माइनॉरिटी। सिटीजन में ही एक आते हैं माइनॉरिटी। ये क्या होते हैं माइनॉरिटी? तो वैसे लोग जिनकी संख्या बहुत कम है, जिन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं हिंदी में। अल्पसंख्यक दो आधार पर हो सकते हैं, या तो उस धर्म को मानने वाले लोग कम हों तो उनकी संख्या कम हो गई तो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक, या फिर भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो। जैसे हम ताजमहल देखने गए, एक जैन धर्म वाले ताजमहल देखने गए, वो भी अल्पसंख्यक है। हालांकि मुस्लिम भी अल्पसंख्यक है, हिंदू धर्म भी कई कई राज्यों में नॉर्थ ईस्ट में अल्पसंख्यक में आ जाते हैं, वो लोग वहां पे भी, वहां क्रिश्चियन धर्म ज्यादा है। तो अभी बेसिक हम लोग ये समझेंगे कि सिटीजनशिप यानी नागरिकता क्या होती है। नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो देश अपने यहां रह रहे लोगों को एक सर्टिफिकेट के रूप में देता है। जैसे आपका वोटर कार्ड जो है ना, वो एक तरह का नागरिकता का बहुत बड़ा प्रमाण हो जाता है। वह देश अपने नागरिकों को हर तरह के अधिकार देता है। उन्हें कानूनी अधिकार है, वो कहीं भी कुछ कर सकते हैं। उन्हें नौकरी का अधिकार है, वो किसी भी पोस्ट पे वो जॉब ले सकते हैं। उन्हें राजनीतिक अधिकार भी है, वो जाके कोई भी पार्टी का चुनाव लड़ सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। लेकिन अगर नागरिक नहीं है ना, तो आप देश में आ सकते हैं, घूमेंगे, आपको कोई मारे पीटेगा नहीं। अगर कोई मारपीट भी दिया तो कानून उसको सजा देगी। जैसे कोई अमेरिका का आदमी आया है घूमने, या पाकिस्तान का ही कोई आदमी अगर ताजमहल देखने आया, उसको जाके हम पीट देंगे तो पुलिस हमको सजा दे देगी कि तुम होते कौन उसको मारने वाले। तो उसे हर चीज़ दिया जाएगा। लेकिन कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, वो यहाँ आके कोई बड़े पोस्ट पे नहीं आ सकता है। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का जज, राज्यपाल, ये सब नहीं बन सकता है। ना ही वो यहाँ पर आकर कोई वोट डाल सकता है और ना ही खुद चुनाव में लड़ सकता है। तो बेसिक अधिकार यही है कि आप देश के नागरिक हैं या नहीं है, जीने आपको दिया जाएगा, आपको कोई मारपीट नहीं करेगा। लेकिन नागरिकों को कोई एकदम प्रीमियम लेवल का कुछ अधिकार है जिसे हम नागरिकता कहते हैं। नागरिकता का पहली बार सबसे पहले वर्णन किसी ने किया था तो वो अरस्तु ने किया था। अरस्तु नागरिकता के बारे में बोला था। नागरिकता की चर्चा संविधान के 22 भाग में से दूसरा जो भाग है, भाग दो में है। और भाग दो में तो अनुच्छेद 5 से 11 तक, हम 1 से 4 तक पढ़ा दिए, आज 5 से 11 तक अनुच्छेद आप समझ जाएंगे, आपकी नागरिकता से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हर एक चीज डाउट को क्लियर कर देंगे। नागरिकता की चर्चा अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 सबसे पहले समझते हैं, यह क्या कहता है। यह कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान का प्रारंभ, अब पहले समझिए प्रारंभ कब हुआ था। तो संविधान प्रारंभ हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसी दिन से संविधान पूरे देश में लागू हो गया। अब बात आई कि लागू हो गया तो हम किसे कहेंगे कि भारत के तुम नागरिक हो। बहुत से तो अंग्रेज भी उस वक्त तक भारत के थे, सब एनी बेसेंट भी उस वक्त भारत में थी लोग, तो ये लोग को क्या आप नागरिक बोल देंगे। और कौन कौन नागरिक है, कौन नहीं है, उसी में भारत का विभाजन हो गया। तो इसके लिए अनुच्छेद 5 जो है वो तीन शर्तें दिया और कहा इन तीन शर्तों में से कोई एक भी शर्त अगर आप पालन कर लेते हैं तो हम आपको भारत का नागरिक कह देंगे। पहला कि उसका जन्म भारत में हुआ हो तो वो भारत का नागरिक है। अब देखिए 1950 में तो हम थे नहीं और ना ही मेरे पिताजी थे। मेरे पिताजी का जन्म वही 1960 के आसपास का है, 60-65 का। तो उस वक्त मेरे दादाजी होंगे, आप लोग कभी दादाजी होंगे आज़ादी के वक्त में, तो आपके दादाजी को नागरिकता किस आधार पर मिली? उन लोग जन्म से यहीं पर थे, यहीं उनका जन्म ही हुआ, इसलिए उन्हें नागरिकता मिल गई। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे उस वक्त जो आज़ादी की लड़ाई 1947 में चल रही थी, तो उस लड़ाई में वो अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए विदेशों में भी गए थे। आप देखे होंगे कनाडा में भी आंदोलन चलाया गया था, सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने भी वहाँ चलाया था गदर पार्टी। तो बहुत से क्रांतिकारी विदेशों में भी थे, तो क्या आप उन्हें नागरिकता नहीं देंगे इस आधार पर कि आप भारत में तो हैं? तो उनको भी तो देना पड़ेगा, वहाँ पर मान लीजिए उनके बच्चे जन्म लिए, यहाँ भले उनको आप दे सकते हैं कि वो भारत में जन्म लिए, लेकिन उनके बच्चे जो विदेश में जन्म लिए उन्हें भी देंगे कि नहीं? तो कहा गया कि उनके माता पिता का जन्म भी अगर भारत में हुआ होगा, कब?
1950 से पहले, तो वैसे व्यक्ति को भी नागरिकता दे दी जाएगी भले वो विदेश में ही क्यों नहीं रह रहा है। एक और चीज़ कहा गया इसमें कि संविधान लागू किस दिन लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। लागू होने से 5 साल पहले से ही अगर कोई रह रहा है तो लागू हुआ 1950, यानी अगर 1945 से या उससे भी पहले से कोई भारत में रह रहा है तो हम उसे भी नागरिकता दे देंगे। जैसे एनी बेसेंट थी, वो विदेशी थी आयरलैंड की, भारत में बहुत काम किया उन लोगों ने, स्वतंत्रता में भी बहुत बड़ा योगदान रहा, तो उन लोग को उनको नागरिकता मिला इसके आधार पर। हम लोग के दादा को नागरिकता मिले, आप लोग में भी ज्यादातर लोगों को जन्म के आधार पर ही मिला होगा। तो अनुच्छेद 5 केवल जन्म के आधार पर नागरिकता देता है, ये तीनों का होना जरूरी नहीं है, मेनली कोई एक हो सकता है तो आप नागरिक हैं भारत के। देखिए आप अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 को समझते हैं। वर्तमान समय में अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 का कोई विशेष औचित्य नहीं है, इसे उस समय के जो विभाजन था तो विभाजन को ध्यान में रख के बनाया गया था, क्योंकि 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था तो बहुत से लोग पाकिस्तान से भारत में आए थे, जैसे आसाराम बापू और भी बहुत लोग आए थे, और भारत से भी बहुत से लोग पाकिस्तान में जाके बस गए थे, तो इसमें बहुत ज्यादा मारकाट भी होने लगा, अराजकता फैल गई। तो इसको देखते हुए भारत सरकार आजादी के एक साल बाद यानी 1948 में, तो 19 जुलाई 1948 को एक रूल लागू कर दिया जिसे कहते हैं परमिट नियम। परमिट नियम का मतलब है कि अगर आप भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं ना तो यहां लिखवा के जाइए कि हम भारत छोड़ के जा रहे हैं, और अगर पाकिस्तान से भारत में आए ना तो इन्हें कि सड़क से घुस जाए, वहां भी किसी ऑफिसर रहते थे उनसे लिखवाना पड़ेगा, तो ये परमिट लग गया। अब जो अनुच्छेद 6 है ना वो इसी परमिट नियम पर आधारित है। कहा गया है कि वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, याद रखिएगा अनुच्छेद 6 कहता है ये उन्हीं लोगों पे लागू होता है जो पाकिस्तान से भारत आए थे उस वक्त। अब इसमें भी दो तरह के लोग थे, कुछ लोग वैसे थे जो ये परमिट नियम लगने से पहले ही आ गए थे, तो उनके लिए झमेला ही नहीं है, भाई साहब परमिटे नहीं है घुस जाओ, अब कोई रोक टोक करने वाला नहीं है घुस जाओ, जैसे ट्रेन में कोई टीटीए नहीं है घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग जो 19 जुलाई 1948, ये डेट क्यों रखा गया, क्योंकि ये परमिट डेट था, इसी के इससे पहले परमिट नहीं था, तो जो इससे पहले आ गए उनको तो टेंशन ही नहीं है, आ जाओ भाई तुम भारत के नागरिक हो गए। लेकिन जब ये परमिट नियम लग गया तो 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई आता है तब कहा जाता है कि साहब आप जब परमिट आएंगे, अब आप 19 जुलाई 1948 के बाद तो परमिट भरिए, और अभी आप 6 महीना इंतजार कीजिए, परमिट भरने के 6 महीने बाद आपको नागरिकता मिलेगी, इतने आराम से नहीं मिल जाएगी। तो ये बेसिकली उन लोग के लिए था जो पाकिस्तान से आए थे, इसमें भी जो पहले आ गए उनके लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं, परमिट के बाद आओगे तो भी दिक्कत नहीं है, बस 6 महीना आपको रुकना पड़ेगा। अभी इस अनुच्छेद का कोई विशेष महत्व नहीं है। देखिए आर्टिकल 6 ये तो बता दिया कि पाकिस्तान से जो भारत आएगा उसे नागरिकता मिलेगी या नहीं, लेकिन भारत से बहुत से लोग भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे लेकिन उनका मन नहीं लगा तो वो वापस आएंगे, तो संविधान उन लोग को भी जगह दिया, और संविधान कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता कब मिलेगी, ध्यान से समझिए, 1 मार्च 1947 यानी आज़ादी के जस्ट पहले, 1 मार्च 1947 के बाद कुछ लोगों को लग गया कि नहीं अब देश का विभाजन हो जाएगा, क्योंकि एक माहौल बन गया था कि देश का विभाजन हो जाएगा, तो उन लोगों ने कहा कि काम करते हैं जब विभाजन होगा ही तो अभी हम चल चलते हैं, यानी विभाजन से थोड़ा पहले ही 1 मार्च 1947 को कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और वहां जाके बस गए। लेकिन जब विभाजन हुआ और जब मारकाट चालू हुआ तो पाकिस्तानियों ने अपना असली रंग दिखा दिया, तब उनको लगा कि ना हम बहुत बड़ा गलती कर दिए, अब भारत लौट आने चाहे अब लौट चले, तब ये लोग लौट के आएंगे तो इन्हें नागरिकता दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। आप बताइए मित्रों दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, एकदम दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सुबह कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ के चला जाता है और गलती एहसास करके शाम को लौट आता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहते, फटका हुआ है, वापस आ जाएगा। लेकिन उसे कह गया कि ठीक है भाई साहब आप 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए ये सोच के कि आपके लिए एक अलग देश बन ही रहा है, लेकिन अब आप भारत आए हैं कोई बात नहीं आइए, लेकिन अब आपको फिर से 6 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन भरना पड़ेगा, 6 महीना इंतजार करिए हम आपको नागरिकता दे देंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति यहाँ आदिकाल से चली आ रही है। तो 6 और 7 को अभी के वक्त में आप सीरियसली नहीं लीजिए, ये किसी एग्जाम में नहीं पूछता है, क्योंकि ये उस वक्त की तत्काल स्थिति को कंट्रोल करने के लिए था, अभी इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। अब अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रह रहा कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गया है भारत के बाहर, कोई हमारे राजदूत हैं अमेरिका में काम कर रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर लाखों भरे हैं सब अमेरिका जापान जर्मनी कहीं भी, अब वो वहाँ है और वहाँ उनका कोई बच्चा का जन्म हुआ, अब वो बचवा जो छोटका हुआ है
वो भारत का नागरिक होगा कि नहीं होगा, तब वो भी भारत का नागरिक होगा। तो भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हैं। तब ऐसा नहीं है कि भाई, लेकिन भारतीय रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भारतीय नहीं है। तो बाहर में भी अगर कोई बच्चा है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, उसके यदि माता पिता भी भारतीय हैं तो भी उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। इसको विशेष रूप में ध्यान में रखा गया था किसके लिए, वैसे स्वतंत्रता सेनानी जो बाहर में लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे ब्रिटेन में इंडिया हाउस की स्थापना किया गया था, बहुत सारे लोग विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन को चला रहे थे। अब वहां पे वो लोग विदेश में सेटल थे और वहां उनका बच्चा का जन्म हुआ, तो भाई उनके भारतीय माता पिता तो मूल रूप से भारतीय ही थे, तो उन लोग को भी अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। देखिए अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 8 जो अभी आप देखें, ये केवल और केवल उस समय की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। इनफैक्ट रियलिटी में संविधान निर्माताओं ने नागरिकता पर कोई कानून नहीं बनाया, उन्होंने उस वक्त की स्थिति को देखकर एक टेंपरेरी कानून बना के चले गए और उन्होंने अधिकार दे दिया संसद को। अब आगे समझिए अनुच्छेद 9 में क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई विदेशी नागरिकता ले लेता है, अगर कोई मान लीजिए भारत का नागरिक है, विदेश में रहता है, उसके माता पिता भारतीय हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो विदेश गया है और वहां जाके विदेशी नागरिकता ले लेता है तब उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। भारत का नागरिक अगर विदेश जाकर विदेशी नागरिकता ले लिया तो भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ये ध्यान से रखिएगा, ये कई बार पूछता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होता है, कहता है कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा, ऑप्शन सी पे लिखा रहता है यदि उसने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता अर्जित कर ली हो तो आप ऑप्शन सी लगा के आएंगे। अब अनुच्छेद 10 देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता का बना रहना जब तक अन्यथा कार्य न करे, मतलब कोई भी व्यक्ति की नागरिकता आप ऐसे नहीं खत्म कर सकते हैं जब तक वो कोई गलत काम नहीं किया हो। वैसे गलत काम का मतलब संसद ने जिस काम को मना करने को कहा हो, जैसे इंडिया चाइना में युद्ध हो गया, अब आप चाइना के फेवर में जाके बोलिए, भगा देगा आपको, भाग तो रहा तू नागरिक नहीं है। पाकिस्तान से लड़ाई हो गया, पाकिस्तान जिंदाबाद को नागरिकता खत्म कर देगा, भागो तुम यहां के नागरिक नहीं हो। तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी, कोई नहीं छीन सकता है जब तक आप देश विरोधी काम नहीं करते हैं। तब ये बहुत जरूरी था संविधान वालों ने इसको बनाया, नहीं तो पता चला कि अगर ये नहीं रहता तो धज्जी उड़ा देता। जैसे मान लीजिए अभी गवर्नमेंट में बीजेपी है, बीजेपी को डर है इसी बात का ना कि कहीं दोबारा कांग्रेस ना आए, तो अमित शाह दिमाग लगाते ससुरा कहीं के जितना कांग्रेस के नेता है नागरिकता खत्म कर दो, चुनाव में नहीं लड़ोगे जीतेगा कौन, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। या फिर कोई भी भाई, हम किसी एक पार्टी को नहीं कर रहे भाई, अभी ना बीजेपी के पास है, सपोज मान लीजिए कांग्रेस रहती या कोई और पार्टी रहती तो दूसरे पार्टी की राजनीति वही खत्म कर दो नागरिकते, कि भाई कोई नहीं रहेगा, रेस में अकेले दौड़ो, हम ही आएंगे फर्स्ट। तो संविधान वालों ने कहा कि ना ना भाई साहब, आप ऐसे ही किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म नहीं कर सकते, तो आपका नागरिकता का अधिकार बना रहेगा जब तक आप इधर उधर चक्कर पकड़ नहीं करेंगे तब तक। और अनुच्छेद 11 में कह दिया गया है कि नागरिकता संबंधी कानून एक बढ़िया सा कानून संसद बनाएगी और संसद का गृह मंत्रालय। तो अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा संसद के किस मंत्रालय को है, तो गृह मंत्रालय को है, वही होम मिनिस्ट्री इसको बनाती है आपके नागरिकता का कानून। अब आप इसे फटाफट रिवाइज कीजिए एक झटके में। देखिए अनुच्छेद 5 क्या कहता है, प्रारंभ में नागरिकता जिनका जन्म हुआ उनको मिल गया। 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से जो भारत आया उसको दे दीजिए। 7 क्या कहता है, जो गलती से पाकिस्तान चल गया था वापस आएगा वह इंडियन जो पाकिस्तान से वापस आ जाएगा उसे भी मिल जाएगा। 8 क्या कहता है, विदेश में रहने वाले लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी बशर्ते उनके माता पिता भारतीय हों। और 9 क्या कहता है, तो अगर विदेश में जन्म लिए हैं, माता पिता भले भारतीय लेकिन वहां का अपना लिए तो गए, क्या कहते हैं लगी सटल तो गई ल, यानी विदेश में सट गए तो यहाँ का चल गए। तो 9 वाला कहता है सटल तो गई ल। 10 कहता है नागरिकता का बना रहेगा, आपका कोई नागरिकता नहीं छीनेगा। 11 कहता है कि संसद का जो गृह मंत्रालय है वो नागरिकता का कानून बनाएगा। अब यहां से समझिए, यहां मेन कहानी शुरू होता है। संविधान वालों ने नागरिकता का कानून वही बनाया था जो उस समय विभाजन हो रहा था उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन उन्होंने संसद को अधिकार दिया था कि भाई अब आप अच्छे से सोच समझ के बनाइएगा। तो संसद ने पहला नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया था। क्वेश्चन पूछेगा कि नागरिकता देने लेने का विस्तृत जानकारी क्या मूल संविधान ओरिजिनल संविधान में था, नहीं। पहली बार अधिनियम कब आया, 1955 में। अब 1955 के बाद ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कोई भी चीज परफेक्ट बना सकते, दुनिया का कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें हमेशा सुधार की जरूरत।
ज़रूरत रहती है। तो जो 1955 में बनाया गया था उसमें कुछ कमियां थी जिसे 1986 में सुधारा गया। तो क्वेश्चन कहेगा नागरिकता में पहली बार सुधार कब हुआ था, तो 1986 में। लेकिन नागरिकता का कानून पहली बार कब आया था, तो 1955 में जो पहला अधिनियम आया था, लेकिन सुधार पहली बार 86 में। फिर 92 में सुधार हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, थोड़ा मोड़ा सुधार 2015 में भी हुआ था, और 2019 में तो एनआरसी वाला चीज आया, बड़ा लंबा चौड़ा है, उसको तो विस्तृत समझेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग एक एक करके समझते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 जो है वो आपको 5 विधियों से नागरिकता देता है। कहेगा संविधान में कितने प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं, तो 5 टाइप का, किस अधिनियम के तहत, 55 के तहत। अब हम उन 5 को समझते हैं। सबसे पहला होता है जन्म के आधार पर। यह बड़ा फालतू कानून बनाया गया था, एकदम रियल बोल रहे हैं, बिना सोचे समझे इस कानून को बना दिया गया, फालतू कानून। जन्म के आधार पर कहा गया कि कोनो भारत में आके जन्म ले लेगा ना, तो भारत का नागरिक हो जाएगा। ससुरा पाकिस्तानी सब इसका मिसयूज करने लगा, सब 8-8 को पत्नी रखा सब, और क्या करता था, सबको लोड कर देता था सब, अब भारत में छोड़ देता था सब, वो सब आके यहाँ डिलीवरी हो जाता था उन सब को। अब हमारा कानून है कि भारत में जन्म लेगा किसी का भी बच्चा, वो भारत का नागरिक होगा। और ससुरा बड़ा होकर आतंकवादी बन जाता था, धाएँ 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 बम चलाता था। अब कहे सब कि रे ससुरा, ये तो बड़ी दिक्कत हो गया, भारत सरकार की नींद खुली। सोचिए कितना साल बाद, 55 में ये कानून बनाया है, और 31 साल बाद 86 में समझ में आया कि भाई साहब गलती हो गया, ई का हो गया यहाँ पर। आप ही बताइए गलत कानून था कि नहीं, भारत में जन्म सोचा, कोनो ताज, कोनो प्रेग्नेंट औरत इंग्लैंड से आई, ताजमहल देखने आई, ओहो ताजमहल है, तब तो पता चले एक हफ्ता में लड़का हो गया उसका आगरा में, अब वो इंग्लैंड का नहीं भारत का नागरिक होगा। तो भाई इसमें पहले था कि किसी को भी दे दिया जाएगा, लेकिन सरकार अपनी गलतियों को समझी और धीरे धीरे ही सुधार आता है। हम लोग एक गुलाम थे, आज़ादी मिला तो क्या चाहते हैं, एक के बार आप आइंस्टीन बन जाइएगा। तो 1986 में हम लोगों ने एक नियम बना दिया। नियम ये बनाया कि जो बच्चा जन्म ले रहा है ना भारत में, उसकी माता या पिता में से कोई ना कोई एक कम से कम भारतीय रहना चाहिए, तभी हम उसको देंगे नागरिकता, नहीं तो। अच्छा हुआ मिसयूज थोड़ा कम हुआ इससे। इसके बाद इसमें एक और सुधार किया गया 2003 में कहा गया कि देखिए माता पिता में से कोई एक नागरिक होनी चाहिए, लेकिन दोनों की नागरिकता वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए, मतलब धोखे से नागरिकता नहीं अर्जित करिए। कैसे, ध्यान से समझिए, पाकिस्तानी कैसे मिसयूज करने लगे सब। भारत की कोई महिला है, ठीक है, कश्मीर उश्मीर की कोई महिला, अब पाकिस्तान का कोई लड़का है, वो आया घूमने के बहाने, झूठे पहले से सब कुछ पहले से प्लानिंग चलती थी, घूमने के बहाने आया 6 महीना का वैलिडिटी लेके कि हम स्टूडेंट हैं, पढ़ने आ रहे हैं या घूमने आ रहे हैं, या भारत की किसी महिला से शादी कर लिया और उससे जो बच्चा जन्म लिया, अब वो बच्चा क्या हो गया, भारत का नागरिक, क्योंकि भाई उसकी माता तो भारतीय थी, वो तो पाकिस्तान से आया था। तब 2003 में ये और गलती को साबित कर दिया गया कि भाई अगर कोई विदेशी इनवैलिड तरीके से है ना, तब नहीं लेंगे। अभी 2003 में कहा गया है कि वह बच्चा जो भारत में जन्म ले रहा है, उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, साथ ही साथ दोनों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट हो। ऐसा नहीं है कि आप स्टूडेंट बन के आए थे या बाप बन गए, ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। तो शुरुआती बहुत वाहियात कानून था, धीरे धीरे हम लोगों ने सुधार कर लिया, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा प्रकार समझते हैं नागरिकता लेने की, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर क्या है, हम सबको इस आधार पर नागरिकता मिली है, जरा सोचिए, तो वंश के आधार पर ही तो मिला है। हमको नागरिकता कैसे मिले, मेरे पिताजी भारतीय थे, मेरे पिताजी को नागरिकता कैसे मिले, उनके पिताजी नागरिक थे। तो हमें लगता है कि 99% जो यूथ है, मतलब जो यंग एज के जितने लोग हैं, लोग जो आज़ादी की लड़ाई नहीं देखे हैं, मतलब अभी है, उन सबको वंश के आधार पर ही नागरिकता मिली होगी। लेकिन इसमें भी एक चीज़ देखिए, इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताते हैं। एगो करीना कपूर, उसका शादी हुआ सैफ अली खान से, उसका लड़का हुआ इंग्लैंड जाके, तो ये बताइए, तो भारत में तो हुआ नहीं, लेकिन उसका वंशज जो है सैफ अली खान और कटरीना की करीना जो भी है, तो उसका है, तो वंशज तो भारत का ही है, तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। क्या आप कहेंगे कि इंग्लैंड का ले लो, नहीं लेंगे ना, वहाँ पे नागरिकता उसे मिलेगी। अब देखिए ध्यान से, इसमें गलती क्या किया गया था, जब ये नियम बना था ना, तो कहा गया था कि जो बच्चा विदेश में जन्म ले रहा है ना, या भारत में जन्म ले रहा है, उसका बाप भारतीय होना चाहिए, पिता भारतीय होना चाहिए। लेकिन भाई साहब इसमें गलती है, संविधान कहता है कि लड़की लड़का में कोई भेदभाव नहीं, यानी माता पिता में कोई भेदभाव नहीं, जबकि ओरिजिनली जब ये 1955 में कहा गया था, तो उसमें कहा गया कि वंश जब गिना जाएगा ना, तो बाप के आधार पर वंश गिना जाएगा। ये कानून जरा सोचिए तो, ये सानिया मिर्जा पे तो लगेगा ही नहीं। सानिया मिर्जा आज भी भारत की नागरिकता ली हुई है, पता नहीं पाकिस्तान की तो नहीं ना ली है, भारत की नागरिकता है। और उसका जो मर्द है, क्या नाम है उसका,
का जाने कौन चीन है, शोएब मलिक। हाँ शोएब मलिक, शोएब मलिक तो पाकिस्तान का है। अब आप बताइए क्या सानिया मिर्जा के लड़का को वंश की नागरिकता मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि संविधान वंश बाप से मानता है, महिला से नहीं। लेकिन भाई महिलाओं ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, जो हम आदमी ना है, हम इंसान ना है, हमारा लड़का ना है का। और रियल में ही माँ तो ही अपने कोख में पालती है। तो 1992 में संशोधन कर दिया गया और कहा गया कि देखिए भाई वंश की जो गिनती होगी ना वो माता पिता दोनों के आधार पर हो जाएगी। तो अभी वर्तमान समय में सानिया मिर्जा का लड़का जो है, अगर वो चाहे जब वो 18 साल का होगा तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो पाकिस्तान की नागरिकता लेगा कि भारत का। क्योंकि अगर वो भारत की नागरिकता लेनी चाहती है तो अब वंश की गणना पिता के आधार पर नहीं, अब माता पिता दोनों के आधार पर होता है। तो अब सानिया मिर्जा के लड़का को नागरिकता मिल जाएगी और हम लोग को तो मिला है वंश के आधार पर, हम लोग तो भारतीय में जन्म लिए हम लोग। अब तीसरी विधि समझते हैं, आई होप आप ये दोनों विधि समझ गए होंगे। तीसरी विधि को हम कहते हैं बाय रजिस्ट्रेशन, इसको डिसेंट कहते हैं इंग्लिश में, इसको हम बाय बर्थ, बाय डिसेंट, और इसे कहते हैं बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण, फॉर्म भर के नागरिकता ले लीजिए। तो फॉर्म भर के काहे नागरिकता लेंगे? तो मान लीजिए आप भारत में नौकरी करने आए, विदेश के थे, अमेरिका के कहीं के थे, भारत में नौकरी करने आए, आपको भारत बहुत जचने लगा, आप कहें कि हम यहीं रह जाते हैं, तो आप फॉर्म भर लीजिए। तो फॉर्म भरने तभी फॉर्म भर सकते हैं जब आप कम से कम 7 साल यहाँ रह गए हैं। इन्हें कि आए 2 महीना घूम लिए, ओह ताजमहल बहुत बढ़िया है, रह जाओ नागरिकता मिल गया, बम मार दो कहीं हो जाके, ये सब नहीं होगा यहाँ पर। आप कम से कम 7 साल रहना चाहिए। या मान लीजिए आप भारत में आए, भारतीय किसी लड़की से आपने विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद आप 7 साल यहाँ रह गए और 7 साल रहने के बाद अब आप एलिजिबल हो गए हैं। 7 साल से पहले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जब 7 साल रह गए हैं, यहाँ नौकरी कर लिए या यहाँ किसी से शादी कर लिए, 7 साल हो गया, तब आप पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गृह मंत्रालय में मिलेगा, नागरिकता देगा चाहे नहीं देगा। ये नहीं कि 7 साल हो गया तो नागरिकता ले लो, तो जो पूरा आतंकवादी यहीं घुस जाएगा सर 7 साल रह के। 7 साल रहने में क्या जाता है, 7 साल ट्रेनिंग लेगा सब, गली मोहल्ला देखेगा सब किधर से किधर भागेंगे। जैसे कहा जाता है कि आईएएस बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या, ग्रेजुएशन हो जाएगा तो कह दीजिएगा सरकार बना दीजिए आईएएस, ग्रेजुएशन तो ही गया, ये कोई मतलब है? वो तो एलिजिबिलिटी है, उसके ऊपर अब सरकार की मर्जी है देगा कि नहीं देगा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा। यहाँ लड़का गलती क्या कर देता है, यहाँ 5 साल मार देता है। पहले ये नियम 5 साल था, और उससे भी पहले ये नियम जब 1955 में था ना तो ये केवल 6 महीने थे। तो धीरे धीरे इसको सुधार किया गया क्योंकि मिसयूज ना हो, आप समझ रहे हैं। अब आप भी बताइए ना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लेटेस्ट वाला ना पूछेगा कि पूछेगा 1955 में कौन सी था, ऐसा थोड़ी पूछता था। अभी याद रखेंगे 7 साल है। तो 3 प्रकार की नागरिकता आप समझ गए। अब चौथा प्रकार की नागरिकता समझते हैं, अब कैसे लीजिएगा, उसे कहते हैं देसीकरण। देसीकरण को हम लोग कहते हैं नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि यदि आप भारत में आए हैं, ना ही यहाँ नौकरी कर रहे हैं और ना ही यहाँ किसी से शादी की है, लेकिन भारत में आए हैं और भारत आपको बहुत अच्छा जच गया और आप यहाँ बोली जाने वाली 22 भाषाएं जो अनुसूची 8 में है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा अगर आप जान गए हैं तो आपको नागरिकता मिल सकती है। तो इसमें कुछ शर्तें हैं, कम से कम आपको 10 साल रहना पड़ेगा और कोई भारतीय भाषा में से किसी एक भाषा को आपको जानना चाहिए और आपका कला या विज्ञान में एक अच्छी रुचि होनी चाहिए। आप साइंटिस्ट वाइंटिस्ट टाइप के रहना चाहिए तो आप आके मिल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पाकिस्तानी गायकार हैं, क्या नाम है, अदनान सामी। अदनान सामी 10 साल से भारत में हैं, उनसे ज़्यादा हैं, भारतीय भाषा भी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, अच्छे गायकार हैं वो, और कला में उनका योगदान है, विज्ञान में तो है नहीं। और ऐसे अभी तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कोई देश विरोधी गतिविधियों में नहीं लगे हैं, तो भारत सरकार ने उन्हें नागरिकता दे दिया। तो ऐसे लोग जो भारत, तो ये तो अच्छा बात है भाई, विदेश से जितने कलाकार हैं आ जाओ, क्रिकेट विकेट खेलने वाले आ जाओ, वैज्ञानिक सब आ जाओ, सबको दे देते हैं देशीकरण द्वारा। तो इसमें 10 साल दिया जाता है टाइमिंग। देशीकरण आपको एकदम देश में ढलने के लिए कम से कम 10 साल तो रहना ही पड़ेगा, तभी आपको इस देश से प्रेम हो सकता है। आप ही सोचिए ना, 5-10 साल से छोटा लड़का को कहिएगा ना तुम हिंदुस्तानी हो, तो उसको बेहतरीन ढंग से समझ में नहीं आता है कि जो है इंडियन में और दूसरे देश में क्या अंतर आता है, वो भले भावनाओं में बोल सकता है। तो 10 साल होना चाहिए देशीकरण के लिए, ये समझ गया। पांचवा तरीका जो आपको नागरिकता लेने का है वो बड़ा सिंपल है, अर्जित भूमि के आधार पर। जैसे मान लिया कि हम लोगों ने कल पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान के लोगों को कहेंगे ना कि भाई तुम भारत के नागरिक हो जाओ, भाई पाकिस्तान वाले बुरा
नहीं मानेंगे, अब मानिए कि क्या कर लेंगे आप लोग। एग्जाम्पल देखिए, सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा नहीं था, वो हम आपको पिछले पॉलिटी के क्लास में बता दिए थे, फर्स्ट क्लास में। सिक्किम को 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का हिस्सा बना लिया गया। तो भाई आपके वहाँ के लोगों को भी तो आप नागरिकता देंगे ना, पहले भी तो यही होता था ना, कोई राजा मान लीजिए मगध का राजा उठा और कब्जा कर लिया दूसरे राज पर, अगल बगल के राज पर, मान लीजिए कि किसी दूसरे वज्जी पर कब्जा कर लिया इधर उधर, तो वहाँ के राजा वहाँ के लोगों को नागरिकता दे देता था। तो ये तो सिंपल है कि अगर कोई अर्जित भूमि कर लिए हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, एग्जाम्पल में सिक्किम। तो आपसे कहेगा नागरिकता संबंधी अधिनियम जो 1955 में आया था कितने विधि से नागरिकता देता था, 5, एकदम घोर के पी जाइएगा 5। लेकिन इसमें 3 ऐसी भी विधियाँ थी जिससे आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। पहला था त्याग करके, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिए, यानी सटल तो इनने से गई लो, दूसरे ओर सटे तो इधर से चल गए, तो त्याग कर दिया जाएगा। बर्खास्त कर दिया जाए, कैसे बर्खास्त किया जाएगा भाई साहब आपको, तो भाई आप पता चला आपने लड़ाई हुआ है इंडिया में चाइना में, और आप मार चाइना जिंदाबाद कूच के यहीं रख देगा आदमी, बर्खास्त कर दिया जाएगा आपकी नागरिकता। मान लीजिए आप पागल हो गए, एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो गए, कोई राष्ट्रपति आ रहा है, मान लीजिए व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं दिल्ली में, आपको कह देखो मुँह पर थूक दीजिए, ले थूक, भाई पुतिन कहेगा ना कि भारत का नागरिक हमारे ऊपर थूक दिया, ऐसा नहीं ना होता, भारत सरकार नागरिकता खत्म कर देगी, पागल है उसे सिर्फ भगा, पागल है, इसको बस जिंदा रहने दो, बाकी इसके बाद का कोई बुराई है कहीं का नहीं है, ना ये हिंदुस्तानी है ना पाकिस्तानी है, ये पागल है। तो उल्टा सीधा काम करेंगे, सनक कोनक जाएंगे ना, तो आपकी नागरिकता को बर्खास्त कर दिया जाए। वंचित कर देना, आपकी नागरिकता वंचित कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि आप भारत में आए थे और 7 साल रहबे नहीं किए थे, झूठे दिखा दिए कि हम 7 साल से देश हमको दे दीजिए पंजीकरण द्वारा, या मान लीजिए 2 साल हैं आप कह रहे हैं कि 10 साल से हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बना लिए हैं देशीकरण से ले लिए, बाद में पता चलेगा ना तो सरकार आपको वंचित कर देगी कि भरा इसको फर्जी है यहाँ पे, या फिर आप भारत के नागरिक हैं कि विदेश में जाकर 7 साल बस गए कहीं उधर कंटिन्यू, तो भी यहाँ से वंचित कर दिया जाएगा। तो 5 विधियाँ हैं आपको नागरिकता देने की और 3 विधियाँ हैं आपकी नागरिकता छीन के लतिया देने की। किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म हो जाने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि उसे हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसे जीने का अधिकार छीन लिया जाएगा, नहीं, उसे 2-3 अधिकार छीने जाएंगे, एक वोट डालने का, एक चुनाव लड़ने का, यानी ये दोनों को हम राजनीतिक अधिकार करते हैं, ये छीन लिया जाएगा। और कुछ कानूनी अधिकार है, जैसे बड़े बड़े पोस्ट पर जज नहीं हो सकता है, पुलिस में नहीं हो सकता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकते, बाकी आप भारत में रहिए कमाइए खाइए कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड नहीं बनेगा आपका। आप जो क्वेश्चन फटाफट पूछते हैं उसको देखिए, भारत में नागरिकता किस देश से लिया गया, तो ब्रिटेन की तरह भारत से नागरिकता ले ली गई, हमारे संविधान का 85% से ज़्यादा हिस्सा विदेश से ही आया है, 15% को बनाए हैं हम लोग 3 साल में, तो ये हो गया ब्रिटेन से। हमारे पास किस प्रकार की नागरिकता है, तो हमारे पास जो है एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता का मतलब है आपके पास केवल हिंदुस्तान की नागरिकता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी राज्य में रहते होंगे, जैसे मान लीजिए कोई राजस्थान में रहता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई हम राजस्थान के भी नागरिक हैं भारत के भी नागरिक हैं, वो ये कहेगा कि हम राजस्थान के निवासी हैं और भारत के नागरिक हैं। जैसे बिहार में है तो बिहार का निवासी या आवासी है और भारत के नागरिक हैं, आप कभी बनाएंगे यूपी की नागरिकता दे दीजिए फाड़ के फेंक देगा। भारत में दोहरी नागरिकता थी जम्मू कश्मीर में, उसके पास जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता थी भारत की भी थी, लेकिन अब वो खत्म हो गया और हम लोग के लिए अच्छा है पढ़ाने में आराम है, अब भाई पूरे भारत में एकहरी नागरिकता का हम खत्म, एक ही नागरिकता ले सकते हैं। अब कुछ लड़कों को कन्फ्यूजन होती है, एकहरी नागरिकता का मतलब एक के देश की नागरिकता, आप हिंदुस्तान और चाइना दोनों का नहीं रख सकते, भाई साहब इसका मतलब नहीं होता एकहरी नागरिकता, ऐसा तो कहेंगे तो पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि आप 2 देशों की नागरिकता एक साथ रख सकते हैं। अभी थोड़ा सा विवाद हो गया था ना अक्षय कुमार के इशू को लेकर, थोड़ा बहुत कि वो मतलब कनाडा वाला इशू नॉर्मल था, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। तो देखिए ये अब यहां आगे समझते हैं कि अधिनियम कब आया था, तो 1955 में ये अधिनियम आया था, पहला संशोधन 1986 में, फिर 92 में, फिर 2003 में, फिर 5 में, फिर 15 में, फिर 2019 में, तो ये कई बार पहला हुआ। अब प्राप्ति की विधि कितनी प्रकार से ले सकते हैं, 5 तरह से, खो सकते हैं 3 प्रकार से, कौन मंत्रालय कानून बनाएगा, तो गृह मंत्रालय। ये नागरिकता की जो चीज़ें हैं ये आप समझ गए होंगे। अब कुछ ऐसे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको समझना चाहिए, जैसे NRI कौन है, NRI अकाउंट भी होता है ना NRI, फिर PIO कौन है, फिर OCI कौन रहते हैं, फिर CA क्या है, NRC क्या है, और NPR क्या चीज़ है, NPR। अब ये चीज़ को हम एक सेपरेट वीडियो में बना देंगे नागरिकता का पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा कि NRCA समझाने में मुद्दा लग जाएगा, ये NRC लोगों को लगता है आज का मुद्दा है। NRC का बाद जो है ना वो एक्चुअली 12वीं सदी से, यानी आज से 800 साल पहले से ही NRC का जो नींव था वो रख दिया गया था, आज से 800 साल पहले, यानी जब उस समय गुलाम
राम वंश का शासन चल रहा था। अब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, आपको लगता है 2019 का है, तो फिर आप वेट कीजिए अगले वीडियो का। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा।